आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज क्या चीज है? ये एक ऐसी एलर्जिक कंडीशन है जिसके अंदर जो ग्लूटेन प्रोटीन होता है वो एलर्जी कॉज करता है इंटेस्टाइन के अंदर और उससे ये डिजीज होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सीलिएक डिजीज क्या है? एन एलर्जी कंडीशन इन विच पेशेंट हैज ग्लूटेन प्रोटीन एलर्जी। जो ग्लूटेन प्रोटीन होती है उससे बच्चों में क्या होती है? एलर्जी होती है। जो सीलिएक डिजीज है इसका दूसरा नाम क्या होता है? ग्लूटेन एंटेरोपैथी। ग्लूटेन एंटेरोपैथी से हम क्या समझ सकते हैं? ग्लूटेन तो जो प्रोटीन है, एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन और पैथी मतलब डिजीज कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूटेन प्रोटीन की एलर्जी कंडीशन होना, उसी को हम बोलेंगे सीलिएक डिजीज। तो ये सीलिएक डिजीज कैसे फैलती है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? ये जो ग्लूटेन प्रोटीन है ये दो चीज में डिवाइड होती है, ग्लूटेनिन प्लस ग्लियाडीन। जो ग्लूटेन प्रोटीन है ये दो चीज में ब्रेक डाउन होती है। इसके अंदर दो सब्सटेंस होते हैं, एक तो होता है ग्लूटेनिन, दूसरा होता है ग्लियाडीन। ये ग्लियाडीन क्या करता है? जो इंटेस्टाइनल विलाइज होती है, इंटेस्टाइनल विलाई, जैसे ये हमारी इंटेस्टाइन है इसके अंदर स्मॉल विलाइज होती है। इन विलाइज का काम क्या होता है? सरफेस एरिया को बढ़ाना। और ये क्या करवाती है? एब्जॉर्प्शन का काम करवाती है। ये क्या करवाएगी? एब्जॉर्प्शन करवाती है। अगर ये ग्लियाडीन प्रोटीन थी जो ग्लूटेन प्रोटीन की एलर्जी हो रही है, उससे क्या होता है? इंटेस्टाइनल विलाई होती है वो डैमेज हो जाएंगी। इंटेस्टाइनल विलाई विल गेट डैमेज। ये अगर डैमेज हो जाती है, जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही थी वो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होगी? बंद हो जाएगी। और इसी से क्या होता है? ये फूड क्या होता है? डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और उसी से ये एलर्जी कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं सीलिएक डिजीज। अब ये डैमेज होने के बाद में क्या करता है? ग्लूटामाइन अमीनो एसिड सिक्रीट करेगा। जब ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाए इसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, तो क्या होगा? इसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और ये क्या करेगा? टॉक्सिसिटी कॉज करवाता है। ये क्या करेगा? टॉक्सिक इफेक्ट उसके अंदर रिलीज करेगा। इससे क्या होगा? ये डिजीज कॉज होती है। तो हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखी। जो ग्लूटेन प्रोटीन की एलर्जी होती है उससे क्या होता है? दो सब्सटेंस होते हैं, एक तो होता है ग्लूटेनिन, दूसरा होता है ग्लियाडीन। ये ग्लियाडीन क्या करेगा? इंटेस्टाइनल विलाइज को डैमेज करता है। ये डैमेज करने के बाद में जो ग्लूटामिन अमीनो एसिड है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होता है? ये एलर्जी कंडीशन अराइज होती है और ये अपने ये टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे फूड्स है जिनके अंदर ग्लूटेन प्रोटीन होती है। तो फूड्स जैसे ब्रो, ये क्या होता है? एक याद करने का तरीका होता है। ब्रो, बी का मतलब बार्ले, आर का मतलब रे, ओ का मतलब ओट्स एंड डब्ल्यू का मतलब वीट। ये जो फूड्स हैं मेनली ये क्या कराते हैं? ग्लूटेन प्रोटीन की एलर्जी कॉज करवाते हैं। तो हमने ये देखा जो कौन कौन से फूड्स होते हैं और इसकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसके कॉज क्या होता है? ये अननोन कॉजेज का, क्या ये अननोन है। इसके जेनेटिक कॉज, जैसे पेरेंट्स के अंदर पहले से कोई भी सीलिएक डिजीज की कंडीशन अगर प्रेजेंट है तो बच्चों में भी ये कंडीशन होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट रोटोवायरस, एडिनोवायरस, ये जो वायरस ये डिजीज कंडीशन है इनकी वजह से क्या हो सकते हैं? जो सीलिएक डिजीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। पहले तो डायरिया की कंडीशन हम देखेंगे, बच्चे के अंदर है ना पहले से फूड क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो क्या डायरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चों में अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो उसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे, उससे क्या होगा? उसका ग्रोथ डिले होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा। ग्रोथ रिटार्डेशन से मसल्स वास्टिंग, मतलब क्या हो रहा है? वजन कम हो रहा है बच्चे के अंदर और मसल्स की क्या हो रही है? वास्टिंग हो रही है। वेट लॉस होगा बच्चे में, वजन कम होगा, वीकनेस कमजोरी आएगी। अगर वेट कम हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा? बच्चे में कमजोरी आने लग जाएगी। नेक्स्ट एनोरेक्सिया, बच्चे में जैसे एलर्जी बच्चा जैसे भी ये जो ग्लूटेन प्रोटीन के फूड्स जैसे भी इंजेस्ट करता है, खाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसको एब्डोमिनल पेन होने लग जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने लग जाएगा, डायरिया की कंडीशन होने लग जाएगी। तो बच्चा क्या करेगा? फूड को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है और उसके अंदर एनोरेक्सिया की कंडीशन आने लग जाती है। नेक्स्ट एक्सेसिव फ्लेटस, बच्चे में क्या होता है? गैस का पास आउट बहुत ज्यादा होने लग जाता है। अच्छे से अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा तो क्या होगा? गैस का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा, उससे क्या होगा? ये एक्सेसिव फ्लेटस की कंडीशन आती है। नेक्स्ट होता है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग क्या होता है? जब भी इंटेस्टाइन के अंदर जब गैस का फॉर्मेशन ज्यादा होता है तो गैस क्या होती है? इकट्ठा होने लग जाती है। उसकी वजह से जो स्टोमक है वो क्या होगा? भरा भरा सा लगने लगेगा, उसको हम बोलते हैं ब्लोटिंग। नेक्स्ट होता है स्टिटोरिया। स्टिटोरिया में क्या होता है? जब
बच्चे में डायरिया की कंडीशन आ रही थी उसके साथ में क्या होगा, फैट का भी एक्सक्रीशन आउट होता है। जब स्टूल के साथ में फैट का एक्सक्रीट आउट होता है उसको हम बोलते हैं स्टेटोरिया। नेक्स्ट होता है पेनसाइटोपिनिया। पेनसाइटोपिनिया की कंडीशन क्या होती है, जब ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स तीनों की जो नॉर्मल रेंज है वो क्या हो जाए, डिक्रीज होने लग जाए। वो डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे, ब्लड सेल्स क्या का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से पेनसाइटोपिनिया की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इसके डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं। तो हम डायग्नोसिस की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें क्या कराना पड़ेगा, इंटेस्टाइन के अंदर इसकी अगर दिक्कत है तो इंटेस्टाइन हम बायोप्सी करवा देते हैं। इंटेस्टाइन से हम थोड़ा सा स्मॉल पार्टिकल या फिर टिश्यू लेंगे इंटेस्टाइन का, वहां से क्या करेंगे हम उसको टेस्ट करेंगे, बायोप्सी करेंगे। ये क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है सीलिक डिजीज का, इंटेस्टाइनल बायोप्सी। नेक्स्ट हम देखते हैं एलर्जिक टेस्ट। बच्चे में अगर एलर्जी का फॉर्मेशन हो रखा है पहले से, ये सीलिक डिजीज की कंडीशन हो चुकी है, उसमें क्या करेंगे हम एलर्जिक टेस्ट करवाएंगे। एलर्जिक टेस्ट के अंदर हम क्या देखते हैं, जो आईजीई जो एंटीबॉडीज है वो क्या करेगी, इम्यूनोग्लोबिन नहीं है क्या करेगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसका जो नॉर्मल रेंज है उससे क्या होगी, ये हमें ज्यादा मिलेगी, उसको हम करेंगे एलर्जिक टेस्ट। नेक्स्ट होता है एंडोस्कोपी। हम एक एंडोस्कोप डालते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, उससे क्या करेंगे हम एंडोस्कोपी देखेंगे, इंटेस्टाइनल विलाइज कितने डैमेज हो चुके हैं, ये सारा हम डायग्नोसिस करते हैं सीलिएक डिजीज के अंदर। नेक्स्ट हम इसके ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता था ब्रोस से क्या हो रही थी, ये डिजीज कंडीशन या फिर एलर्जी हो रही थी, तो हम सबसे पहले हमारा जो मैनेजमेंट रहेगा वो क्या करेंगे, हम इसको अवॉइड करेंगे। जो ग्लूटिन प्रोटीन था, जो हमने बार्ले रे ओट्स और वीट, जो हमने ये मेन मेन फूड पार्टिकल्स देखे थे वो क्या करेंगे हम अवॉइड करेंगे लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि जब भी ये बच्चा इंजेस्ट करेगा तो उससे उसको एलर्जी की कंडीशन होने लग जाएगी। तो हम अवॉइड ग्लूटिन फॉर लाइफ टाइम, बच्चों को लाइफ टाइम तक हम कभी भी ये जो फूड मटेरियल्स है जिसके अंदर ग्लूटिन प्रोटीन है वो क्या करेंगे हम अवॉइड कर देंगे। नेक्स्ट राइस और वीट्स हम क्या करेंगे, बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। राइट, वीट्स जैसे बाजरा हो गया, चावल हो गया, इनकी रोटी हम बच्चे को खिलाना स्टार्ट करते हैं, गेहूं की रोटी, ये सारे हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरेंट्स को हम एजुकेट करते हैं। बच्चे वैसे भी नादान होते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, गलती से भी अगर ये ग्लूटिन प्रोटीन वाले जो फूड मटेरियल्स है वो खा लेंगे तो उनको एलर्जी कंडीशन होने लग जाएगी, वो डिजीज कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर होने लग जाती है बच्चों में। तो हम पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे ताकि जब भी वो मार्केट से कोई भी फूड मटेरियल्स या फिर फूड पैकेजिंग लेके आते हैं तो उनके अंदर पूरा ग्रेडियंट्स लिखे हुए होते हैं कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, तो ये सारे हम उसके अंदर पेरेंट्स को बोलेंगे कि उन पहले अंदर चेक करें ताकि उसके अंदर ग्लूटिन प्रोटीन है या नहीं है। अगर वो नहीं है तभी हम बच्चों को वो प्रोवाइड करेंगे। पेरेंट्स को हम एजुकेट करेंगे कि बच्चों को राइस, मिल्स, ये सारे प्रोडक्ट्स ही खिलाने चाहिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन वो क्या करेंगे बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, जैसे ए डी ई के। ये क्यों प्रोवाइड करेंगे, जैसे स्टीटोरिया की कंडीशन थी जिसके अंदर जो फैट का एक्सक्रीशन हो रहा था डायरिया के साथ में, तो हम क्या करेंगे बच्चों को फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे ए डी ई के ये सारे हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारा हो गया सीलिक डिजीज का मैनेज।